देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। पूजा, सैंडी, थैंक यू फॉर द सैंडविच। ए जवा, बैठ के तू क्या करता रहा, बता सकता रहा हमके? सब काम का काका अकेले संभाली। ए, हमके इग्नोर करे के हिम्मत कैसे बेच दोर? अभी धक्का मार के घर से बाहर निकाल दे, क्यों के परवाह ना कर। अब एक थप्पड़ मार दे तो के खत्म कर दे अभी हम। भैया, क्या होत का भाई सब? सिद्धार्थ स्वाम के लेके ऊपर जा। क्या करता नहीं आप घर में? पिताजी नहीं के आपके शांत रहेगी चाहिए। सुन लिया, प्लीज चलो ऊपर चलो। यहाँ इतना एक्साइटेड हो गया, चिल्ला मिली कला से कोई फायदा नहीं। ना तू हमार दर्द कबो ना समझ सकेला सिद्धार्थ। अगर तू 1000 गुना भी कर ले तो तोहर सारा गुना माँ जानता ना। कहे कि तू घर के बड़का बेटा भर वारिस बारा, और हमके अनाथ घर से लायल गईला, जकरा जे समझ में आवेला दोष हमरा पर देला। व्यवसाय लॉस भेल केकर दोष? हमार दोष। समय पर सप्लाई ना हो रहा हो दोष हमारा, नया नया मिठाई ना बन रहा हो दोष हमारा। हर चीज में तो हमार नसीब हमरे के कोसे लग। ये खातिर हम सिद्धेश्वर मुद्दा खातिर हम काहे कुछ करो, काहे बोला? तोहर भाग्य बढ़िया बस सिद्धेश्वर बाबू तो के सुजोग देले बड़े बोल के। ना तो निकला घर से, निकला बाहर जाके देखा तो के रास्ता पे काम मिले लगी ना। काहे जोगे तबा तोहर बोल सकेला? प्लीज सर, आप प्लीज इस तरीके के बात विचार मत करी। तू बीच में मत बोला सिद्धार्थ, आज हमार दिमाग ठीक नहीं है एकदम। आज भी हम दुकान के अकाउंट चेक करनी, बहुत लॉस हो रहा बा। आई लेकर के जो खड़ा होकर बड़का बड़का बात करके हिम्मत कैसे भाई? आजकल तो पापा भी अगर ऊपर भरोसा नहीं करता तब तो लड़की के सहारा लेता रे पापा। करिता, ये लड़की के तू आज से व्यापार में सहायता करे खातिर बोल। हम ओके एक महीने का समय देता नहीं तेरे अपना पापा का सम्मान रखे के खातिर। देखिए कि व्यापार में कौनो चेंज होला कि ना। ये एक महीने के अंदर कौनो चेंजिंग भेल, कौनो तरक्की भेल व्यापार में तो हम मान लेम कि पापा के बात में दम बाटे। और अगर एक महीने के अंदर कौनो चेंज ना भेल तो पूरा व्यापार के हम अपने हिसाब से चलाए। लेकिन एक बात सुन लो कि सोम के अब हम कौनो सुजोग देहब ना।
तोम के अब हम कोनो सुजोग देहब ना। बुआ, तू प्लीज मिश्र के कहीं मत भेजा। ये सब झमेला के जरूरत नहीं खे। मिश्री के ई व्यवसाय में जोग ना देवे पड़ी। ये का कहत है? उसे दादाजी के नाक नेखे कट जाए का? बुआ जी, दादाजी हमार जैसन लड़की पे कितना बड़ जिम्मेदारी दे ले है, पता बाना? अगर हमार जाए से बिजनेस में कोनो उपकार हो खिला था, हम काहे नेखे जाए? अगर हम नेखे जाए तो दादाजी का सोचिए? बोली था बहुत ही दुख है उनकरा के। हम मना करनी है तारा के। अरे वो दादाजी था। अरे बुआ जी, आप तनी से समझाई ना, बताई ना बुआ जी। वो तो मना करके ही चल गए ले। वो कारखाना नहीं खे जाइए बोल देलस, और उनकरा के चोट भी लग गई बा। दादाजी चाचा जी क्यों भी नहीं खेबा यहाँ पे? और दादाजी थाम के बोल के गए ना, मिश्री तो के जाए के ही पड़ी। बिजनेस में अगर कोनो घाटा हो जाए तो कैसे चली, बताए हमके बुआ जी? तू का चाहत का बाड़ू? सुन भैया, जे इतना साल से ही बिजनेस के संभाला हन, उजन ना सकला हन, तौन तू कर ले। हम जब मना करनी है तब कहे तर्क कर तरू? हमरा तर्क कैल एकदम पसंद नहीं खे। जब कह दे बनी नहीं खे जाए के तो नहीं खे जाए के। और दादाजी जब ही बात सुनी है बड़का बाबू के अनुमति मिले के बाद भी हम नहीं खे गए नहीं था, तब वो का बोलिए? वो हमार टेंशन है, हम जैसे भी हो सके दादाजी के समझाए। तू हमें एकदम दिमाग ना लगाईबू। बुआ, अनी के करा के सर पर बिठा देले पड़ा लो। बात बात में आजकल झगड़ा करती है, आ कोई के बात नहीं के सुनो। अनी के सब कोई यहाँ खड़ा पड़ा लोग, सोम ताके मुंह ना देख ला लोग। मिश्री जदि ई व्यवसाय में ज्वाइन करी तो सोम भैया के दुख लागी, ई तनी के समझ ला लोग ना। यही से हम दादाजी के बार बार बोले नहीं कि ये बिजनेस के बंद कर दो, लेकिन ना क्यों हमारी बात ना सुनेला। जब तक वो बेकार एनवायरमेंट घर में ना क्रिएट हो जाला, कोई की शांति ना मिलेला। हुआ, हम बहुत सीरियसली बोला था, मिश्री जैसे ही बिजनेस में जोग ना दे, हमें को बात बोली का बुआ जी? मिश्री कहे भैया जी के बात सुनी है, बताई था। एकरा मतलब? वो मतलब तो सिर्फ हम ही जानत बानी भैया। आपके का लग रहल बा? आप मिश्री के कबो बीवी नेखे मनी है और ओकरा ऊपर आप हक जमाई है काहे के? तो का लग रहल बा भैया, बताई था? मिश्री सिर्फ आपके ही बात पे चली है, ओकरा कोनो भी दिमाग नेखे बा का? सुना भैया, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे बा, आज हम ये बात बिल्कुल भी नेखे होखे देब, समझ गई? और हमार माने के ई बा कि ई घर में इतना मर्द भी ई बिजनेस के संभाल नेखे पा रहल बा ना, और कुछो भी नेखे कर पा रहल बा, झगड़ा कर रहल बा, मिश्री जैसन लेकी ही अभी सब चीज के संभाल सकेगी। लेकी ही सब संभाल सकेली, कहे कि लेकी में कोनो भी मर्द ईगो नेखे ओखेला, समझ आ गेल आपके? रिंकी, बेफालतू में लड़का और लड़की में फर्क मत दिखावा तू। यहाँ के लड़का है के लड़की है, ये बड़ा मुद्दा लगा था तारा। मिश्री के बिजनेस में ढूकल मतलब सोम भैया के इंसल्ट, ये छोटा चीज तनी के समझ में नहीं आवत। और सिर्फ बिजनेस भी तो देखे के पड़ी ना। अरे वो काहे नहीं के सोचा तारा? तू समझा था नहीं कि सोहन के बारे में? मिश्री, तोरा के बड़ा समझदारी से ही काम करे के पड़ी। एकरा मतलब ही जाई
ई सारा मिश्री के डिसीजन हुई हमनी के ना। देखा पिताजी के दिल के इच्छा बाकी मिठाई करे और आज तो बड़ भैया भी बोल दिले, लेकिन एक बात हमरा की समझ में नहीं खियावत, सोहम का ऐसा कर तारा, सोहम तो ऐसा लेकर ना बा। पिताजी तो कबो ओकरा की छोटा ना मननी, जे लड़का ई बिजनेस के खातिर इतना कष्ट कैला, इतना मेहनत कैला, आज वो घर में काहे बा, आज जैसन बड़ा दिन में वो घर में काहे बा। तू हमरा के बोला सिद्धार्थ, भैया खातिर आसान हो ई सब करे के। ना ना, सोहम के दिमाग में जरूर कुछ और चलता, तोहार पिताजी होते तो हम जरूर उनकरा के बोलते कि लेकिन माँ, ऋषि सारा दिन घर के काम करी है, ओकर बाद वो मिठाई के दुकान जाए मिठाई बनाए, ये कैसे हो पाई माँ? हम कर सकते हैं दीदी, हम सिर्फ घर के ही काम देखब दीदी, बिजनेस के संभाली सब, और उनकर गुस्सा ठंडा हो जाए देख लिया। और अगर हम कुछ अच्छा भी करते हैं नहीं तो उनकर मान भी बहुत ही बढ़ जाए, सही कहानी ना? तनी के जौन समझ में आता तौन करा लो, लेकिन एकरा बाद जब बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुई तब समझ में आई तनी के ही बात। हमार का सीरियसली हमरा के कुछ समझ में नहीं खियावत, चलो पूजा में चलता नहीं। हम ओके एक महीना का समझ देता नहीं, तेरे पापा का सम्मान के रक्षा करे खातिर देखी व्यापार में कोनो चेंज होला कि ना, अगर एक महीने के अंदर व्यापार में चेंजिंग आयला कोनो तरक्की भइल त मान लेम कि पापा के बात में दम बाटे, और अगर एक महीना में कोनो चेंजिंग ना भइल त हम अपना पूरा व्यापार के अपना हिसाब से चलाइब। लेकिन एगो बात सुन ला, अब हम सोम के कोनो सुजोग देहब ना। ठीक के देखने तो हमके पता चलल कि व्यापार में लॉस काहे होता, आई जोर दे के बोला था नहीं कि मिश्री हमनी के व्यापार के लॉस पूरा कर दी ही। मान लेम कि पापा के बात में दम बाटे, और अगर एक महीना में कोनो चेंजिंग ना भइल तो हम अपना पूरा व्यापार के अपना हिसाब से चलाइब। लेकिन एगो बात सुन ला, अब हम सोम के कोनो सुजोग देहब ना। सॉरी सॉरी ईका, इट्स ओके, तू यहाँ खड़ा होकर क्या करता रहा? हर मुंह के ई हालत काहे हो गइल बा? अभी का भइल मालूम है फूफा जी? का बड़का बाबूजी, अपन पुत्र वधु के व्यवसाय में जोड़े खातिर मिश्री के एक मास के समय देले बाड़े, और देखे ले व्यवसाय लॉस होकर पूरा हो पावे ला के ना, और अगर ओकरा बुद्धि से व्यवसाय अगर बढ़िया से चलल तो हमार तो कोनो वैल्यू ना रही, हमार तो कोनो जरूरत ही ना रही व्यवसाय में। जे लड़की के वो अपन पुत्र वधु स्वीकार ना कैले, उ लड़की को अपन व्यवसाय में ढुकले, लेकिन हमार जो वजूद है ओकर स्वीकार ना कैले, बहुत हो गई, बहुत हो गई फूफा जी, इतना बड़का न्याय हम ना बर्दाश्त कर। सुन तारा, एकदम दिमाग खराब हो गई बा। हाँ एकदम मिश्री व्यवसाय में सफल ना हुए फूफा जी, सोमी बर्दाश्त ना करी, वो आप बहुत बड़का भूल कर ले। अरे वो तो बहुत बच्चा लड़की भी है, अरे जे रास्ता में घूम घूम के मिठाई बेचत रहे उका हमार पड़तर कर सकी? ये होके ना थी, कब वो ना होके थी? अग्रवाल जी, खूब बढ़िया खबर आवता, काम तो हो गई बा, बहुत जल्द ही सिद्धेश्वर मोदक के सब दुकान खत्म।
रुका, इधर आवा, चुपचाप खड़ी रहा, खड़ी रहा। आशीर्वाद लेके जा। जा। अरे आराम से। ओ बुआ जी, हम किन आशीर्वाद दी कि हम दादाजी के ना अच्छा से मान रख पाई। इस समय ये बात कहे कि ठीक नहीं खे माँ, लेकिन सेठ बहुत गुस्सा में बा और अभी तक घर से निकलने ना हो, देर से ही निकल है आज। बोलत रहनी माँ, एक बार और सेठ के पूछ ली है ना। लेकिन इस सब से का हो जाए दीदी, आपके लागत बाकी भैया कोनो भी अच्छा मन से मिश्री के कबो बात करी है नेखे दी है, और हमके लागत बा ये बारे में और सोचे के कोनो भी जरूरत नहीं खेबा। मिश्री है, आज से तुम्हारे को नया पहचान बन रहा बा, पता बाना तू होखे वाला बाड़ू सिद्धेश्वर मिठाई के चीफ कंसल्टेंट एंड इंचार्ज क्वालिटी कंट्रोल। मतलब समझ नहीं आई ना, प्रधान विचार करता और सबसे बड़ अधिकर्ता भी, समझ गए लो। हे भगवान, आप कितना कठिन कठिन इंग्लिश और कठिन भोजपुरी बोली लो दीदी। हाँ सही कहनी ना, लेकिन हाँ एक बात तो हमके समझ में आ गई बा, आप ना हमके बहुत ही बड़ बनावे की कोशिश कर रहे बाड़ू ना, लेकिन मिश्री केकरो से भी कम नहीं खे बड़ी, और यह मिश्री के असल पहचान बा। और हम छेना से अच्छा अच्छा तरह के मिठाई भी बनाई, और लोगन के हमारी मिठाई बहुत ही पसंद आई, एकदम पसंद आई। और पता बा रिंकी दीदी, कल रात के हम मिठाई बनावे के सब तैयार करके रख ले बानी, ताही ते ही देखी 500 पीस लेके जा रहल बानी हम। ओ बुआ जी, बुआ जी कहते हैं कि केकरो भी पता नहीं खे लगे कि हम उनकरा के बिना बताईली वहाँ पे जा रहल है, आपका प्लीज उनकरा के समझा दे आपका प्लीज। मिश्री शुभ काम करे जाता रू ना, काहे ये सब बात सोचता रू, ये सब बात आपन मन में बिल्कुल ना आएगा। उससे अच्छा भगवान से प्रार्थना कर कि सच में आपन व्यापार अच्छे से बढ़े, और तू सब कर्मचारी के साथ मिलजुल के अच्छा से काम करा। और एगो बात हो, काम के वक्त अगर बड़े भैया और तुहार बीच कुछ भी गड़बड़ हो, लेकिन चाहे जी कुछ भी हो जाए, तू उनके सामने मत जाइया, समझा तारू ना। लेकिन बुआ एगो बात हमरा समझ में नहीं आवत, बड़का पापा मिश्री के बिजनेस में योगदान देवे खातिर राजी कैसे हो गए लहन, हमरा समझ में नहीं आवत। सिर्फ आप अकेले नहीं है छोटका भैया, ये बात तो हमके भी बहुत ही अचंभा लग रहा बा। पापा तो मिश्री के बिल्कुल भी पसंद नहीं करत है, तो का हो गई बड़का बाबू अगर मिश्री के बहू के रूप में नहीं मानत है ना भी, लेकिन वो हमके नारी के रूप में तो मनी है ना। नारे मिठाई, ये बात तो हमरा के बहुत ही अद्भुत लागत आ रही, लेकिन वो का बात बना मिश्री, हम बड़ भैया के देख ली हाँ, वो लाभ और लॉस में बहुत हिसाबी बानी, ये खातिर तो वो इतना साल से बिजनेस अच्छा से चला पा रहा बानी, यू माने के पड़ी। असल में का बात रहे कि वो पिताजी की बात सुन ले रानी, वो समझ गई नहीं कि पिताजी काहे कहा था नहीं, वो ये बात के मान गई नहीं है कि अगर मिश्री बिजनेस करी तो जरूर उन्नति हुई। लेट होता मिश्री, जा ई बात के मान गई नहीं। अरे हम लोगन के बात तो कबो खत्म ही ना होई, कोनो जरूरत नहीं खे, लेट हो जाई, देखा ऐजा खड़ल वाली। ए मिश्री देर होता तू जाना, और कहाँ जाए के बा पता बना। हाँ सब क्लियर हो चुकल बा हमके, और ये रिंकी दीदी हमके ना सब कुछ बता देले बाड़ी बारे में। मिश्री ऑल द बेस्ट, और एक बात सुना, तहार निकले से पहले तहार साथे को सेल्फी ले, ठीक बा। हैशटैग नमस्ते। अंकु पूजा दीदी, हे भगवान ये मिश्री के तक कुछ भी पता नहीं खेबा, दादाजी दादाजी की इच्छा और आपके हेल्प के बहुत ही जरूरत बा हमके, हमार वजह से केकरो सिर ना झुक जाए गोपाल जी, और आज बिजनेस में बहुत ही लाभ हो के बहुत ही ज्यादा। ए
शिवो। हाँ। रस बनल और आला। अरे सब लोग जल्दी कर रहे बाबा, उस संदेश का डब्बा का उठा ले, आज बहुत ज्यादा मिठाई जाई। अच्छा सुना ना काका। अरे सोम भैया, सबेरे से तो तोहरा के एको बारे जवा ना देखनी हा, हर साल तू ही तो सब आयोजन करेला, का भइल ठीक त बानू? काका आपके को बात कह के रहे, दादा एगो औरत के कारखाना भेजी देखे सुने खातिर, वो औरत ना मनोहरा लेके आई, हम जहाँ तक जाने ला मनोहरा के नंदन दुकान में रखे के बातचीत चल रहा है। लेकिन ई कारखाना में देखभाल करी? हाँ काका, दादा के मन हो के हमार मिठाई के क्वालिटी बहुत ही खराब हो चुका है, दादा खुदे पूरा दुकान जाकर मिठाई चेक करके देखले बड़े, और बड़का बाबू अपन पतो के कारखाना भेजे के बात कहले बड़े। अच्छा एकर मतलब पुराना कारीगर पर से भरोसा उठ गए बटे परिवार के, जबकि ई कारखाना के इतना दिन से हम ही ठेल के लिए बनी। काका हमें को बात जानी ला, सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन जे औरत आई ओकरा के काज आप करे देबना, कायदा यही हुई बिजनेस के, ई कारखाना आपके इशारा से चले ला काका, और ऐसे ही चली, हम आवत हैं। और सुने औरत के ढूके ना देवी घर में, जे करब आप करब आराम से। का भइल उस्ताद, क्या वेला यहाँ और यहाँ के करी का हो? आप रसमलाई का कहे ना, दादाजी हम के आपके बारे में बोल ले रहे, और आप भाई ई कंपनी के हेड मिस्त्री वाला हाँ ठिकानी ना, हमार नाम मिश्री बा। अरे काका जी आप हमके अपना साथ मिठाई बनावे देव ना, ये भगवान ये लड़की बाड़ी ना, तू यहाँ पे काम कर बुका? रे तोरा कितना बकवास करके क्या कला सा, हाँ चल चल तू अपन काम कर, आ तू सब बैठल कहे बड़ा लोग, चलो काम करा। काम चोर साहब अभी जल्दी से गाड़ी आ जाई, सब मिठाई भेजे के पड़ी। अरे काका जी हम मनोहरा लेके आयल बानी, एक ट्रे में रख दी का? तू क्या हो, कब से मिठाई बनाओ तारू, अचानक कारखाना में चले लू? दादा जी बोले है हमके सच में कुछ भी नहीं खियावेला, लेकिन हाँ हमके सीखे के बा, हमार पापा था बहुत बड़ हलवाई रहले, हमके जे कुछ भी सिखेले वो सब कुछ हम सिखले हैं, हमार गांव था इहे पास में ही बा। अच्छा ठीक बा, आप हमके ना एगो परीक्षा ले ली। हाँ कैसन परीक्षा उस्ताद, ये सब हो का रहला बोली था, हटाक दे यहाँ पर अचानक से नया औरत आ गई, और वो की हमरा ऊपर खबरदारी करी, आ का बोला तर का हो रहा रही, गला फाड़ फाड़ कैसे ना करता, चला अपना अपना काम करा। उस्ताद देखी ता आइटम ठीक से बनल है कि ना, देखा था अरे सुना सुना सुना, रुका रुका, इला तोहार जैसा ना हमारे को भाई भी बा ना, ओकार नाम ना गुल्लू बा, हम ओकरा यहाँ पे एक दिन लेके आए, फिर तू दोनों साथ में खेली हा, हम तो के सब काम करके दे, तू तो बहुत ही अच्छा इंसान बाड़ू, लेकिन तू यहाँ पे काहे आयल बाड़ू? यहाँ पे उस्ताद ना बहुत ही बदमाश बाड़े। हाँ ओ इस सब मिश्री दीदी सबको संभाल ली, तू ओकर चिंता नहीं करा ठीक बा ना, तू बस एगो काम करा चुपचाप हमके एगो ट्रे दे दा। अच्छा यहाँ पर मिठाई ट्रे में ही दिया जाला ना? ठीक बा, तू जाके ट्रे लेके आवा, हम यहाँ पर सबको संभालत है। हाँ ठीक बाटे, ठीक बा जल्दी कर। हाँ हाँ चलाओ हाँ चलाओ हाँ चलाओ, अभी गाड़ी आ जाए, लेकिन हाँ चलाओ। अरे काका जी हम आपके हेल्प कर दी का? ना हमरा के कोनो हेल्प ना लगी, तू रह दा। ये कच्चा रसगुल्ला के पाक बा, पाक कुछ ज्यादा नरम नहीं खेल गिल बा का काका? ए लेकी तोहरा सब हमनी का रस बनावे सीखे पड़ी, का जानता रू तू, पूरा व्यापार का संभाल ले बनी हमनी के यही कारखाना से।
अरे काका, आप गुस्सा काहे होगे नहीं बताई था? ये देखी, हम तो बस हर समय ना बक 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 करत रहनी, हमेशा करत रहनी, लेकिन अब हमने कुछ भी नहीं बोला। सॉरी। ए, अपन काम कर, ये सब क्या करता रिस? जा। हाँ, आगे ले, चल, उठा दे, सब उठा के रख, उठा, जल्दी कर, हाँ, दे, ये सब उठा के सब लोग जाके गाड़ी में उठा दे, चल, जा 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 जल्दी जा, जल्दी जा गाड़ी में उठाओ सब रख, धीरे-धीरे आराम से। बहुते ध्यान से आगे बढ़े के पड़ी मिश्री, लेकिन इच्छे ना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं के बाप। तो कैसे मिठाई कैसे अच्छा बन जाई? इतना बड़ा दुकान और इस तरह की छेना कैसे हुई? अरे धीरे से टूट ना जाइयो, लेके जा। हाँ, लेके जा। ले। जल्दी कर। ले भाई, ले जो। अरे काका जी, सब कुछ उगले बताई कहाँ रखी? रखबू? कब? ये सब मिठाई? अरे ये सब तो वहाँ पे रखे के पड़ी ना, हमके घर में ये सब बात बोल देले बा। वो सब चल गई ला। अरे अरे तू ही सब छोड़ो, मालूम खाओ सब मुझे पड़ल बटे देख ठीक नहीं खेला का, साफ कर सब उठाओ। काका, ओ काका जी, चल गई ले मतलब? ये मिठाई कहीं नहीं खेली की गई? अरे तो हम क्या करी, तू तो काम समय पे ना कर पलू ना, यहाँ सब कुछ समय पर होला, क्यों खातिर यहाँ वेट ना होला? देखी बहुत काम करे बता, नहीं हट जा। ए, चल उठाओ सन, सब उठाओ। बोले की आज से तू व्यापार में शामिल होके के बोल, हम वो के एक महीने का समय देता नहीं, सिर्फ बाबा के सम्मान के रक्षा करे के खातिर। देखी व्यापार में कौन हो, चेंज होला की ना, चीख के देखनी तब हमके बुझाएल की हमनी के कहे लॉस होता, तभी जोर देके बोला था नहीं कि मिश्री हमनी के व्यापार के लॉस के पूरा कर सकेले। हम ही मनोहरा दुकान में पहुंचा के ही रहा, कुछ भी हो जाए हम दादाजी के मान मर्यादा नहीं के मिले थे। दादाजी हमरा पे इतना भरोसा करेले, ना चाहे कुछ भी हो जाए ये मनोहरा हमके पहुंचावे के ही पड़ी। हे भगवान, एकरा बैलेंस करे के तो बहुत ही मुश्किल हो रहल बा। गोपाल जी, कैसे भी करके मिठाई के वहाँ पे पहुँचावे की पड़ी। गोपाल हेल्प। टैस्की, सुना? अरे चल गए ले। अरे सुना तब? अच्छा, सब मिठाई तो वो लोग लेके चल गए ले, लेकिन हमार मिठाई कैसे भूल गई लोग? लेकिन भूल कैसे गई? ऐसे कैसे हो गई? अरे भगवान, गोपाल जी, अरे रुका ऑटो। अरे सुना, बोले थे दूसर गांव चलब का, यहाँ से थोड़ी दूर पे बा, चला ना। ना मैडम, ना जाए। देखिए जी बा, जी भगवान, अब हम का करब? हाँ, ओके। अब दूसर टेस्ट की देखे की पड़ी, वरना पैदल ही जाए की पड़ी हमके। अच्छा सुना कोसा, दूसर का प्रेजेंटेशन जे में जिम रखल गेल बा ऑफिस कॉम्प्लेक्स के अंदर, उ वाला प्रेजेंटेशन उ तू मिस्टर मुरानी के दिखाई। हां, बस में चढ़े दिए का लोग ई ट्रेन के देखत है। हां बस आ गए अलवानी, हम बस बाईपास में। हां ठीक बा, लेकिन तू उहे दिखाई है। अरे रुक, अरे एक्सीडेंट हो जाए अभी। व्हाट नॉनसेंस इज दिस, अभी एक बड़का एक्सीडेंट हो जाए। मिश्री, तू यहाँ का करता रू? विश्वास नहीं की होत, इतना सारा ट्रे लेके मुंह ढक के रास्ता के बीच में चला तरू। What's wrong with you? Do you have any sense? अरे भैया, अब चिल्लात काहे बानी? गड़िया रुवा देख के चलाई ना का? आप चुप रही।
का चाहिए आप लोग के यहाँ? हम एकरा के अच्छा से जानता नहीं, समझ गई नहीं? जाइए आप लोग यहाँ से। का भाई जाइ? का भाई तू ए लेखा यहाँ काहे खड़ा बड़ू? ए लेखा ट्रे लेके मुंह ढक के रास्ता के बीच में काहे चलता रू? व्हाई आंसर मी। बड़ा बड़ा बात बोल के तू बेस किचन ज्वाइन कर लुआ, तू ई सब करके बिजनेस में लाभ लेके आई हु? हां बार बार पहले रहनी हम सब के सब कुछ नहीं कर सकते। साइकिल में हड़िया बांध के मिठाई बेचल और सिद्धेश्वर मदक के इतना बड़ा बिजनेस चलावल मजाक ना हो, दोनों एक बात ना हो। क्यों हमार बातें ना सुनेला? का भैला कुछ बोलत काहे नहीं तू? हां का बोला आप जे कुछ बोला आप विश्वास नहीं करब ना? हां दादाजी की इच्छा रहे कि आज के दिन कम से कम एकटा दुकान में तो मनोहरा जाए, और दादाजी तो इहे के साथ अपन बिजनेस शुरू कर ले रहे ना बताई था, और वो लोग ही हमारे ट्रे लेके नहीं खे गए यहाँ से, एक खतर हम लेके जा रहा है वो दूसर वाला दुकान में जाए के बाहम के का करी, टैक्सी नहीं खे मिलल, ऑटो नहीं खे मिलल, और बस में वो लोग हमके मिठाई लेके नहीं खे चढ़े दिए ना, एक खतर पैदल जाए के पड़ी। वाओ नाइस सोल्यूशन, तू ये हिसाब से चल के कस्बा से भवानीपुर जेबू ये नू? तू इतना सारा ट्रे लेके जानते रहो तू कितना आदमी के प्रॉब्लम क्रिएट कर देबू? अचानक तू कोई के गाड़ी के सामने आ जेबू और ओकरा ब्रेक मारे के पड़ी, ओकरा बाद जानते रहो का हुई? एगो एक्सीडेंट ना हुई तो तरका शांति ना मिली? हाँ तो हम का करी बताई था, हम का इतना सारा मिठाई के बर्बाद हो के देव का। अच्छा चलो जो कुछ भी होगा लोकर खातिर सॉरी, लेकिन हमके जाए के ही पड़ी। मिश्री हाँ तू करत का बड़ू? हाँ रास्ता के बीच में खड़ा होकर ड्रामा ना करबू तो ना हुई? इतना सारा चीज लेके के तरह के गाड़ी में उठे दी जुनो, इतना भी तरह ना समझ में आई तो बहुत स्टूपिड बाड़ू। देखिए छोटका साहब, आप तो हमके अपना गाड़ी में लेके छोड़ देब ना वहाँ पे, तो एक खातिर हमारे बारे में इतना मत सोचिए आप। हाँ हम हार नेखे मानब, हमके जरूरत पड़ी तो पैदल पैदल ही चल जाए हम। गोपाल जी है, गोपाल जी हेल्प करिए हटी। अरे भगवान जोन ठीक लगे करो, हम पागल हो जाए मेरा चक्कर में, हम कहे ही सब में टाइम वेस्ट करते नहीं समझ में नहीं क्या होता। गाड़ी में बैठा है फिर से ऐ, तारी ऐ सुन के ना हमार दिमाग खराब हो जाला। ए लेखा रास्ता में चल के कोनो एक्सीडेंट कर देबू, घर पे सब कोई अस्थिर हो जाई, एंड एज यूजुअल सब कोई हमरा का ब्लेम करी। का कहा का गाड़ी में बैठा है? गाड़ी में बैठा पकड़ा। I don't believe this। भगवान जाने कैसे हम इस सब में फंस गए। It's disgusting।
सिर्फ सर्कस करे गई नहीं हमार लेट हो गई। लेकिन ऐसे का मतलब बा मिठाई खाइल जरूरी बा। यही से दादाजी के बोले नहीं कि बिजनेस अब तू बंद कर दो। अरे 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 आराम से मिठाई तो मिठाई खराब हो जाए से टूट जाए दा। शांति मिली ये बिजनेस के बाद सुनते ही ना हमारा खीस भर जाला। का करे के पड़ता हमारा ये बिजनेस के चलते का करे के पड़ रहल बा। अरे बाबा ये बिजनेस तो सबके ही बा ना तो सबके थोड़ा मेहनत करे के पड़ी ना। का कलुओ तू हां ना 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 कुछ भी नहीं के बोलनी हमार मिश्री के मुंह बंद बा। कौन दुकान में जेबी कहलुआ भवानीपुर के साइड उल्टा रास्ता हो गया हमार। लेकिन मिठाई तो पहुंचावे के ही पड़ी बहुत इंपॉर्टेंट काम बना हूं। पैसे जो हम ही सब में फंस गए नहीं भगवान जाने। पहुंच गए निका पता ना खुद जाके खोज ला दुकान सामने ही हो गए के चाहिए उतना हमरा देरी होता है। हाँ हाँ हम ढूंढ ले हम ढूंढ ले। शट अप हम तेरे को थैंक यू बोल के बोल लिया उतरा। हे भगवान इतना गुस्सा करे ले इतना कैसे बोले वेले हमके कुछ भी समझ में नहीं क्या वेला हम लेकिन उतरी कैसे हमार हाथ में तो ट्रे बा ना। पूरा गाड़ी धुआ एक पड़ी लोग कहा है इतना मिठाई खाला समझ में ना आवे। भगवान गोपाल जी आप तो हमके आखिरी तक तो हेल्प कर ही देले बानी ना लेकिन उससे पहले आप हमके बहुत रुलावत हैं। मिश्री की सब पसंद नहीं आवेला जे भी हो पहुंचा देनी हो गई। थैंक यू आप तो हर बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं कही मिश्री बस ही मनोहरा के बहुत सारा बिक्री हो जाए और दुकान के बहुत सारा लाभ हो जाए। फाइनली तो आ गई बारे सेठ तो रोज रोज इतना लेट कैसे हो जावे ले पता ना। चलो जल्दी चला वीडियो कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो गई बा जान बारे तब मिस्टर मोडो ने हर समय सिद्धार्थ सिद्धार्थ कर रहे ले। हाँ तो चला ना यहाँ का रोक दे ले बड़ू चला कम ऑन लेट्स गो फास्ट 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 फास्ट। बाय द वे लेट कैसे भइल तहार पक्का मिश्री रानी के वजह से तहार लाइफ में ओकर अलावा कुछ बाही ना जहाँ भी जे भी प्रॉब्लम होखे ना सब ओकरे वजह से। आजू कैले बा बतावा था कोसा तू खुदे बोल तरू की लेट हो गेल बा आ बार बार एके बात करके हमरा के रोक दे तरू का करिए बोला चला। ईका सर ने खाना ले अभी तक ना सर अभी तक कैले ना एक हाथ ते मिस्टर मुरानी और गुस्सा हो गेल रहले। नो मैडम सर एको काम करके गेले वो ब्रीफ दे के गेल है ऊपर मिल के काम कर सकते हैं बाद में कब। सो का ब्रीफ देलू हो तू आप जे फाइनल कर ली रानी उहे ब्रीफ देनी हां हम उहे जा उनके फैक्ट्री के लेफ्ट में एगो जिम रहे उहे ब्रीफ महिल बा